जय हिंद एवरीवन। ये जो CRPF के तरफ से 130,000 भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो इसके ऊपर YouTube पर हजारों लोग वीडियो बना चुके हैं। आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो कुछ भाई लोग कमेंट में बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा भर्ती एक साथ नहीं निकाला जा सकता, ये नोटिफिकेशन फर्जी है, ये नोटिफिकेशन फेक है। वो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें जो कुछ भी लिखा गया था मैं आप लोग को सारी की सारी चीज़ें बताया था। उसमें अग्निवीर वालों के लिए भी कुछ लिखा गया था, तो वो तो आप लोग फर्जी बोल रहे थे। लेकिन आज एक न्यूज़पेपर के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, जो कुछ भी बताई गई है मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। और देखो, उससे पहले जितने लोग का अग्निवीर का भी एडमिट कार्ड नहीं निकला है, तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अभी हमारा भी एडमिट कार्ड नहीं निकला है और हमारे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं निकला है। दो चार लोगों का एडमिट कार्ड निकल गया है, तो अभी आज शाम तक नहीं तो कल आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड निकल जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों के ईमेल पर एक मैसेज आएगा। और जो लोग बोल रहे हो ना कि रोल नंबर क्या होता है, जैसे एडमिट कार्ड निकालने के लिए वहां पर रोल नंबर मांग रहा है, तो जब आप लोग ऑनलाइन कराए होंगे जो प्रिंट आउट मिला होगा सबसे ऊपर ही रोल नंबर लिखा होगा और आगे आप लोग को रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, जहां ऑनलाइन कराए होंगे वहां से आपको जो प्रिंट आउट मिला होगा ना, उस प्रिंट आउट में आप लोग देख लेना। और देखो, अभी आप लोग जो सोच रहे हो कि ये जो 130,000 भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है ये फर्जी हो सकता है, सिर्फ बोला गया है, तो भाई मेरा एक बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। आने वाला समय में ना चुनाव होने वाला है और चुनाव की वजह से इतना ज्यादा भर्ती निकाला जा रहा है। एक बार जब चुनाव हो जाएगा ना, तो दोबारा मतलब इतना आसानी से भर्ती नहीं निकलेगा, 3 साल लग जाएंगे, 4-4 साल लग सकते हैं मेरे भाई। इसलिए इतना गोल्डन चांस मिलने वाला नहीं है, इसको आप लोग सीरियस लो, इसको हल्के में नहीं लो। आप लोग अपना तैयारी बेस्ट तरीके से करो, अपने मन में ये नहीं लाओ ना कि ये भर्ती नहीं निकाली जा सकती है, चुनाव आने वाला है भर्ती निकाली जा सकती है। और सिर्फ एक ही भर्ती नहीं, अभी बहुत सारी भर्तियाँ निकाली जाएंगी, आप लोग देख लेना। अभी तो CRPF का ऑनलाइन हो रहा है, अभी BSF ट्रेडमैन का ऑनलाइन हुआ, इससे पहले आसाम राइफल का भी आया था, तो बहुत सारी भर्तियाँ निकाली जा रही है। इसका बस एक ही कारण हो सकता है, चुनाव, ठीक है ना। आप लोग देखे थे ना, 2-3 साल कोई भर्ती नहीं निकाली, 130,000 CRPF की भर्ती निकाली जाने की बात की जा रही है। देखो, ये बात छोटा मोटा नहीं है, ये बात बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले इतना ज्यादा भर्ती निकाला ही नहीं गया था। तो भाई मतलब ऐसा आप लोगों का सोच भी अच्छा ही है कि भाई नोटिफिकेशन फर्जी हो सकता है, लेकिन रियल में नोटिफिकेशन फर्जी नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज भी दिखा दे रहा हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं ना, इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाएगा या पहले दौड़ कराया जाएगा, और इसमें हाइट कितना मांगता है, तो देखो इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर मांगता है। SSC/ET में जितना हाइट मांगता है, कैटेगरी के हिसाब से कुछ लोगों को हाइट में छूट मिलता है। और इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाता है, और जब पेपर हो जाता है ना तो मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद से 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, तो दौड़ तो सभी लोगों का आसानी से निकल जाता है। और देखो, इस न्यूज़पेपर में भी अग्निवीर वालों के बारे में कुछ लिखा गया है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा छूट मिलेगा। जितने लोग अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हो ना, तो आप लोगों को जी जान से अग्निवीर की तैयारी में लगे रहना है, ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं पूरा का पूरा न्यूज देख लेते। साफ साफ बता दिया गया है CRPF में भर्ती होंगे 1.30 लाख कांस्टेबल, और नीचे लिखा गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में 1.30 लाख सिपाही जनरल ड्यूटी, मतलब GD की भर्ती होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नोटिस जारी किया है। CRPF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। अभी तो अग्निवीर भर्ती देखने नहीं आएंगे, लेकिन उन लोगों को भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। हालांकि अभी आवेदन शुरू होने और खत्म होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सिपाही के कुल 1,29,929 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 4,667 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। उम्मीदवारों का मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब 10 पास होना चाहिए। और यहां पर लिखा गया कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए, लेकिन एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलेगा। यहां लिखा गया कि मतलब साल के बीच होनी चाहिए। ये पद ग्रुप सी के हैं। चयन शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच से होगा। सबसे पहले आपका पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से आपका दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद से आपका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और नीचे लिखा गया कि भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था। पूरा न्यूज पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप लोग अपने तरफ से भी इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और भ्रम में नहीं रहो कि ये नोटिफिकेशन फर्जी है। नोटिफिकेशन एक जगह फर्जी निकाला जा सकता है, एक जगह शॉर्ट नोटिफिकेशन फर्जी एडिट किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से न्यूज़पेपर में नहीं निकाला जाएगा मेरे भाई। ये न्यूज़पेपर वाले लोग अपने पास से नहीं छापते हैं, इन लोगों को कुछ पता चलता है ना तभी कोई बात ये लोग न्यूज में छापते हैं। आप लोगों को रिटर्न पर बहुत ज्यादा फोकस कर देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा भर्तियां निकाली जा रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी भर्तियां निकाली जा रही हैं। इसमें वर्दी भी मिलता है, हथियार भी मिलता है और सब
कुछ मिलता है, इसलिए जी जान से लगे रहो, ठीक है ना। हम लोग भी लगे हुए हैं, अब देखते हैं आगे इसका नतीजा क्या निकलता है। अभी हम लोग तो अग्निवीर का तैयारी ही कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।